लिविंग हैप्पीली के योगा सीरीज में मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ। आज योगा की पांचवी कड़ी चलिए तो शांति मंत्र के साथ प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत। शांति ही शांति ही शांति ही। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो इस दुनिया में। तो आइए मित्रों, आज हम प्रारंभ करते हैं नए वीडियो। आसन के प्रकार, आसन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों का आज हम आपके साथ जानकारी हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने हमारे पिछले सारे वीडियो को देखा होगा। ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रश्नों की खोज के दौरान प्रकृति, पशु और पक्षियों का गहन अध्ययन कर यह जानने का प्रयास किया कि सहज रूप से किस तरह से स्वस्थ और चैतन्य रहा जा सकता है। योग को आसनों को हम मुख्यतः छह भागों में बांटते हैं। प्रथम है प्रकृति आसन। इस प्रथम प्रकार के आसन वनस्पति, वृक्ष और प्रकृति के अन्य तत्वों पर आधारित हैं। इनके नाम जैसे कि वृक्षासन, पद्मासन, लतासन, ताड़ासन, पद्म पर्वतासन, मकड़ासन, पर्वतासन, अधोमुख वृक्षासन, अनंतासन, चंद्रासन, अर्धचंद्रासन, तलवासन आदि। मैं अपने आगे के वीडियो में इन सभी आसनों को करके बताऊंगा, इसकी विधि को बताऊंगा, इसके सारे फायदे विस्तार में करके बताऊंगा। आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको आज मैं आसन के प्रकार बता रहा हूँ। अंग या अंग मुत्रावत आसन होते हैं। यह द्वितीय तरह के आसन जो हमारे अंगों को, अलग अलग अंगों को पुष्ट करने वाले माने जाते हैं, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन, पादहस्तासन या उत्तानासन, अर्ध पादहस्तासन, विपरीत करणी सर्वांगासन, सलंब सर्वांगासन, मेरुदंडासन, एक पादी ग्रीवासन, पाद अंगुष्ठासन, उत्तिष्ठ हस्त पादा गुष्ठासन, सुप्त पाद अंगुष्ठासन, कटी चक्रासन, द्विपाद विपरीत दंडासन, जानु शिरासन, जानु हस्तासन, पश्च वृत्तासनासन, कर्ण पीड़ासन, वालासन या गर्भासन, आनंद वालासन, मलासन, प्राण मुक्तासन, श्वासन, हस्त पादासन, भुज पीड़ासन आदि कई हैं। अपने तृतीय प्रकार में आपको बता रहा हूं, यह पशुवत आसन है। इस आसन पशु पक्षियों के उठने, बैठने, चलने, फिरने, उड़ने के ढंग के आधार पर नाम रखे गए हैं। इसमें प्रथम आता है वृश्चिक आसन, भुजंगासन, मयूरासन, सिंहासन, शलभासन, मत्स्यासन, बकासन, कुकुटासन, मकरासन, हंसासन, काकासन, उष्टासन, कर्मासन, कपोतासन, मार्जरासन, कोर्चासन, ससंकासन, तितलियासन, गौमुखासन, गरुड़ासन, खगासन, चातकासन, उल्लुकासन, स्वसनासन, अधोमुख स्वसन,
पार्श्व बकासन, भद्रासन या गोरक्षासन, कगासन, व्याघ्रासन, एक पाद राज पोतासन आदि। इसी तरह से चतुर्थ प्रकार में आते हैं वस्तुवत आसन। यह विशेष वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। कई तरह के वस्तुएं हैं जो हमारे आम जीवन में इस्तेमाल आते हैं, उनसे प्रेरित होकर इन सबों का नाम रखा गया है। और ये सब जिस तरह से नाम है अपने शाब्दिक अर्थ को पूर्णतः संतुष्ट करते हैं। हलासन, धनुरासन, आकर्ण अर्ध धनुरासन, आकर्ण धनुरासन, चक्रासन या ऊर्ध धनुरासन, वज्रासन, सुप्त ब्रजासन, नौकासन, विपरीत नौकासन, दंडासन, तेलंगासन, तेलासन, शीलासन आदि कई आसन हैं। अभी मैं आपको पांचवें तरह में बता रहा हूं, जो कि किसी योगी या भगवान के नाम पर आधारित है, जिसे योगी नाम आसन कहते हैं। इसमें प्रथम आता है महावीरासन, ध्रुवासन, हनुमानासन, मत्स्येन्द्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, भैरवासन, गोरखासन, ब्रह्म मुद्रा, भारद्वाजासन, विशिष्टासन, सिद्धासन, नटराजासन, अंजनेयासन, अष्टवक्रासन, मिरिच्यासन, वीरासन, विद्रुभासन, वीरभद्रासन आदि। इन पांचों तरीका के अलावे भी कई अन्य आसन हैं, जो कि अलग अलग तरह के वस्तुओं पदार्थों से प्रेरित होकर इनका नाम रखा गया है। तो आइए इन अंतिम प्रकार छठे प्रकार के आसन को भी देख लेते हैं। इसमें प्रथम आता है स्वास्तिक आसन, पश्चिमोत्तासन, सुखासन, योग मुद्रा, वक्रासन, वीरासन, पवन मुक्तासन, समकोणासन, त्रिकोणासन, वातयन आसन, वंध कोणासन, कोणासन, उपविष्ट कोणासन, चमत्कारासन, उत्तिष्ठ पार्श्व कोणासन, उत्तिष्ठ त्रिकोणासन, सेतुबंध आसन, सुप्त बंध कोणासन, पाशासन आदि। इस तरह से मित्रों आज हमने जाना कई तरह के आसन के बारे में। इनके कई प्रकार हैं, इनके नाम के पीछे क्या आधार है, अलग अलग तरह के आधार को जाना। मैं एक एक कर इन सभी को अपने अगले वीडियो में पूरे विस्तार में इनके फायदे तरीके सब कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए लिविंग हैप्पीली के योगा सीरीज से। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं नरेंद्र कुमार इस संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।